हाय वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी आदतें जो कि आप रोज में फॉलो कर रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा कि इसके कारण आपको फाइंस भी हो सकते हैं। और आपने कभी उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आपको पाइल्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको उसका तुरंत ही इलाज करवा लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर आपकी डाइट में आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको जो स्टूल्स है वो कड़क हो जाते हैं, इनडायरेक्टली आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके कारण आपको पाइल्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको पाइल्स ना हो तो आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि आपका जो बाउल मूवमेंट है एंड जो मोशन है वो स्मूथली हो पाए। नेक्स्ट जो की आदत जो की फैक्टर आपको पाइल्स की तकलीफ में ला सकती है वो है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है, आपकी डाइट लो फाइबर डाइट है, जैसे कि अगर आप बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, बिस्किट केक्स फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको आपकी डाइट में फाइबर की कमी हो जाती है, उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनमें भी आपको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी हुई है आपको तो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी पाइल्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, पेट के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसी के कारण आपको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ओवर वेट हैं, अगर आपका वेट नॉर्मल से ज्यादा है तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप ओवर वेट है तो आपको तुरंत ही कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जैसे एक्सरसाइज या अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, जिससे रिलेटेड एक वीडियो है जो मैंने बनाया, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। आप ये वीडियो देख के अपने आप को नॉर्मल वेट की तरफ ला सकते हैं और अपने आप को पाइल्स जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं या अपनी ऑफिस की कुर्सी पर फॉर एग्जाम्पल बहुत देर तक बैठे रहते हैं, अगर आप लोग वेस्टर्न कमोड है आप उस पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपका जो एनल रीजन है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो टेम्पररी कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने के कारण आपको पाइल्स जैसे बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकते हैं वो है क्रॉनिकली ज्यादा वेट। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको वजन रोज उठाना पड़ता है तो आप वजन जो है वो संभाल के उठा सकते हैं, बिना झटके के उठा सकते हैं, जिससे कि कारण आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बार बार ना बढ़े या ग्रेजुअली बढ़े, उसके कारण भी आप पाइल्स होने की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको बताने के लिए कि ऐसी कुछ रोजमर्रे की आदतें जिनको अगर आप सुधारते तो हो सकता है कि आप अपने आप को पाइल्स से बचा पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट यूजफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कीजिए एंड लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।